नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। जबालिया में इसराइली सैनिकों पर हुए हमले ने इसराइल को बड़ा झटका दिया है। यह हमला इसराइली सेना का हौसला तोड़ सकता है। हमास का दावा है कि उसने इसराइल के सील कमांडो टीम को बंधक बना लिया है। इन तस्वीरों ने इसराइल में तूफान ला दिया है। गाजा के सुरंगों में घसीट कर ले जा रहे इजरायली सैनिक कोई आम फौजी नहीं है। ये इजरायल के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। ये हैं इजरायल के सील कमांडो, जिन्हें शायते 13 यूनिट के नाम से जाना जाता है। शायते 13 इजरायली नौसेना का ठीक वैसी ही कमांडो यूनिट है जैसे अमेरिका के सील कमांडो होते हैं। यह यूनिट इसराइल के इंटेलिजेंस ग्रुप शिन बेत के तहत ऑपरेट करती है। यही वजह है कि हमास के हमले ने शायते 13 कमांडो की पूरी टीम के रुतबे को चकनाचूर कर दिया है। पूरे इसराइल में यह वीडियो वायरल हो चुका है। इन तस्वीरों को देखकर नेतन्याहू के कैबिनेट में कोहराम मच गया है। जिस फोर्स को इसराइल की सबसे एलीट कमांडो यूनिट माना जाता था, उस पर हमास ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमला किया है। शायते 13 यूनिट पर हुए इस हमले में कितने कमांडो मारे गए, कितने कमांडो बंधक बने, इस पर पूरे इसराइल में खामोशी छाई हुई है। गाजा के शायते 13 का मारा जाना नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा सदमा है। हमास का दावा है कि उसने कई इजरायली कमांडो को बंधक बना लिया है। अब जबालिया में हमास और शायते 13 के बीच हुए इस एनकाउंटर की पुष्टि कैसे हो रही है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इजरायल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि उसके सैनिक गाजा में हुई लड़ाई के दौरान बंधक बना लिए गए हैं। हमास ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उसके कमांडोज के कपड़ों और हथियारों में कई ऐसी चीजें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इस एनकाउंटर में शायते 13 यूनिट शामिल थी। इसमें है चेक गणराज्य की बनी हुई स्कॉर्पियन ईओ राइफल, जो सिर्फ इसराइल की शायते 13 कमांडो यूनिट इस्तेमाल करती है। स्कॉर्पियन ईओ राइफल में आगे लगा है साइलेंसर। इसका इस्तेमाल भी इसराइल की सील कमांडो यूनिट यानी शायते 13 ही करती है। शायते 13 इसराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेत के तहत आती है और शिन बेत की रिपोर्टिंग इसराइल के प्रधानमंत्री यानी बेन्यामिन नेतन्याहू को है। यानी अगर गाजा के जबालिया में शायते 13 को हमास ने घेर कर मारा है, तो समझ लीजिए कि पूरे इसराइल और खासकर उनके कैबिनेट में सबसे बड़े टारगेट पर बेन्यामिन नेतन्याहू ही होंगे। इसराइल की खुफिया एजेंसी तीन हिस्सों में बटी है। पहली है शिन बेत, जो इसराइल की आंतरिक सुरक्षा देखती है, खुफिया जानकारी जुटाती है, ऑपरेशन करती है। दूसरी है अमान, जिसे मिलिट्री इंटेलिजेंस कहा जाता है, और तीसरी है मोसाद, जो विदेशों में इसराइल के खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देती है। गाजा में युद्ध के दौरान फौज और खुफिया एजेंसियों पर पूरे कंट्रोल के लिए उसकी कामयाबी और उसकी नाकाम दोनों को लेकर इस वक्त नेतन्याहू कैबिनेट में बहुत बड़ी जंग चल रही है। एक तरफ गाजा की सड़कें नेतन्याहू के धमाके से दहल रही हैं, दूसरी तरफ इसराइल की सड़कों पर ऐसा हाहाकार मचा हुआ है कि नेतन्याहू की सत्ता डोल रही है। एक तरफ इसराइल गाजा पर लगातार बम गिरा रहा है, तो दूसरी तरफ तेल अवीव की सड़कें नेतन्याहू के खिलाफ नारों से गूंज रही हैं। हमास के कब्जे में अब भी करीब 125 बंधक हैं और हमास उनको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इसराइल की तरफ से सीज फायर नहीं होता है। यही वजह है कि युद्ध का मिसमैनेजमेंट अब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच सबसे बड़ी दरार बन चुका है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं। पब्लिक के गुस्से का साइड इफेक्ट वॉर कैबिनेट में पहुंच गया है। इस प्रदर्शन और इस हंगामे के बीच इसराइल में सत्ता के गलियारों और बंद कमरों के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जिसे दुनिया के सामने आने से रोका जा रहा है, लेकिन इसराइल की मीडिया ने पर्दाफाश कर दिया है। इसराइल की मीडिया का दावा है कि इसराइल के वॉर कैबिनेट में बड़ा झगड़ा हो चुका है। जेरूसलम पोस्ट में जो खबर छपी है, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के बीच हो गई तूतू मैं। टाइम्स ऑफ इसराइल में यह खबर छपी है कि मिलिट्री चीफ ने कहा है कि नेतन्याहू के पास गाजा को लेकर कोई नीति नहीं है।
नेतन्याहू पब्लिक से लेकर अपने वॉर कैबिनेट तक घिर चुके हैं। कमांडर से लेकर मंत्री बता रहे हैं कि नेतन्याहू ब्लंडर कर रहे हैं। ये बात साफ कर दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेनमिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट एक दूसरे के कड़े विरोधी माने जाते हैं, लेकिन गाजा में युद्ध को लेकर दोनों करीब आए। हालांकि अब दोनों की दुश्मनी सतह पर आ चुकी है। एक बड़ी मीटिंग में नेतन्याहू थे, रक्षा मंत्री गैलेंट थे और साथ में इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेत के चीफ रोनेन बार भी थे। इजराइल की मीडिया का दावा है कि रोनेन बार ने कहा, हमारी रक्षा मंत्री से बात हुई, इस दौरान सभी मोर्चों पर गहराई से चर्चा हुई। नेतन्याहू ने तभी शिन बेत के चीफ रोनेन बार को रोका। वो बोले, क्या आपने ऐसी जरूरी चर्चा रक्षा मंत्री से ही कर ली? इस बार शिन बेत के चीफ रोनेन बार ने कहा, हाँ, इसमें सवाल किस बात का है? तब नेतन्याहू ने कहा, जितना मुझे याद है, शिन बेत और मोसाद ये दोनों प्रधानमंत्री के तहत आते हैं। ये बात रक्षा मंत्री यो गैलेंट को अखर गई। गैलेंट ने नेतन्याहू से फौरन पूछा, क्या आप रक्षा मंत्री को युद्ध पर जरूरी बात करने से रोक रहे हैं? इस मामले में आप क्या करेंगे अगर रक्षा मंत्री का इसमें दखल नहीं होगा? इस पर नेतन्याहू ने कहा, युद्ध को लेकर जो चर्चा होगी वो यहीं मेरे साथ होगी। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट फिर भड़के और लगा कि अब वो गाजा पर बमबारी को लेकर नेतन्याहू से आर पार करने के मूड में है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री की बात पर एतराज जताते हुए कहा, जब भी आप युद्ध को लेकर चर्चा करते हैं, हम मीटिंग में पूरी तैयारी से आते हैं। इस तैयारी के लिए भी मुझे अफसरों से बात करनी होती है। दिक्कत यह है कि आप इस तरह की मीटिंग नहीं करते हैं। अब यहीं पर नेतन्याहू का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि एक कैबिनेट मिनिस्टर उन्हें उनकी कमियां बता रहा था और वो कुछ नहीं कर पाए। जब से जबालिया में इजरायली सैनिकों को बंधक बनाए जाने की खबर फैली है, लेबनान में जश्न मनाया जा रहा है। ये लेबनान की राजधानी बेरूत है और यहाँ लोग फिलिस्तीन का झंडा लेकर जुलूस निकाल रहे हैं। अब सवाल है कि इजरायल की पब्लिक क्या करेगी, क्या गाजा में युद्ध को लेकर इसराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की लड़ाई सड़क पर पहुंच जाएगी या पहुंच चुकी है? गाजा के पास इसराइल और मिस्र की सेना के बीच लगातार जंग देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जनवरी के बाद सबसे बड़ा हमला हुआ है। ये रॉकेट अटैक के बाद उठ रहा धुआं है। तेल अवीव में अजीब सी दहशत फैली हुई है। गाजा से कत्यूशा रॉकेट फायर करके हमास ने साबित कर दिया है कि वो खत्म नहीं हुआ है। गाजा के रॉकेट मेन सुरंगों के अंदर और सुरंगों के बाहर एक बार फिर लैस हो चुके हैं। हमास की रॉकेट फोर्स लगातार एक्टिव है। इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। गाजा में हमास की फायरिंग पावर में कोई कमी नहीं आई है। हमास के इस हमले के बाद इजराइल ने रफा कैंप में कोहराम मचा दिया। तेल अवीव पर हमले के बाद इजराइल के हेलीकॉप्टरों ने रफा पर हेलफायर मिसाइलों की बारिश कर दी। करीब 40 लोगों के मरने की खबर है। रात भर रफा का ये राहत कैंप जलता रहा, लाशें निकाली जाती रहीं। ये सिलसिला सुबह भी जारी रहा। रफा दक्षिण गाजा में वो जगह है जहां करीब 12 से 15 लाख लोग मौजूद हैं, क्योंकि इजराइल ने पूरा उत्तरी और मध्य गाजा खाली करा लिया है। इजराइल ने रफा पर जो मौत की बारिश की, उसकी वजह तेल अवीव पर हुए हमले से ज्यादा हमास का एक बहुत बड़ा हमला है जो जबालिया में किया गया।
मारे इजरायली सैनिक, हमास का खूनी हमला। जरा इस वीडियो को देखिए, हमास के लड़ाके एक सुरंग से इजरायली सैनिक को घसीट कर बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। हमास ने अपने इस वीडियो में दावा किया है कि हमने सुरंग युद्ध में इजरायली सैनिकों को ना सिर्फ जान से मार डाला है, बल्कि कई इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया है, उनके हथियार भी जब्त कर लिए हैं। ये वीडियो उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप का बताया जा रहा है। हम आपको एक एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि आखिर हमास ने इजरायली सैनिकों को इतनी आसानी से कैसे मार डाला, क्योंकि इजरायली सैनिकों के पास ना सिर्फ घातक हथियार और हाई टेक्नोलॉजी मौजूद थी, बल्कि मरकावा टैंक और फुल बैकअप पीछे से मौजूद था। हमास के दर्जन भर लड़ाकों ने सबसे पहले जानबूझकर सुरंग में अपनी लोकेशन इजरायली सैनिकों को दिखा दी। जैसे ही इजरायली सैनिकों को लगा कि सुरंग के अंदर दर्जनों हमास के लड़ाके छिपे हैं, वो तुरंत घातक हथियारों के साथ सुरंग में घुस गए। सुरंग में इजरायली सेना की स्पेशल यूनिट के कमांडो घुसे थे। जैसे ही हमास का पीछा करते हुए इजरायली सैनिक सुरंग में घुसे, तभी सुरंग में हमास ने जोरदार धमाके कर दिए और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। हमास ने दावा किया है कि उसने इजरायल के कई सैनिकों को सुरंग में मार डाला है और इजरायल की स्पेशल फोर्स के कमांडोज को बंधक बना लिया है। अल कसम ब्रिगेड्स के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने कहा, हमारे लड़ाकों ने इजरायली सेना को लालच देकर एक सुरंग के अंदर हमला करवाया और फिर इजरायली सैनिकों को मार डाला। كانوا ولا زالوا لقوات العدو بالمرصاد فنفذوا عشرات العمليات ضد قواته على مدار أكثر من أسبوعين في جباليا ورفح وبيت حانون وفي كل محاور العدوان والتوغل. وكان آخر هذه العمليات عملية مركبة نفذها مجاهدون عصر اليوم السبت شمال قطاع غزة. خون کے آنسو روئے نیتنیاہو 200 दिन बाद बदला। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायली सेना गाजा पट्टी को 80% तक तबाह कर चुकी है, लेकिन हमास के लड़ाकों को खत्म नहीं कर पाई है। 200 दिन की जंग के बाद भी हमास के लड़ाके ना तो हार मान रहे हैं और ना ही इजरायली सेना पर हमला करने से चूक रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हमास के लड़ाके अब उन जगहों पर हमला कर रहे हैं जहां नेतन्याहू दुनिया के सामने दावे कर रहे थे कि उत्तरी गाजा और जबालिया इलाके से हमास के लड़ाकों का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया है। कब्र से निकला हमास, जबालिया में फंसा इजरायल। इस वक्त इजरायली सैनिक रफा, उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा, गाजा सिटी और मध्य गाजा में जंग कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि 200 दिन से ज्यादा की जंग के बाद इजरायल रफा में फंस गया है। जरा देखिए, हमास के लड़ाके हाथों में हथियार लिए एक बार फिर से इजरायल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। जनाजे में उमड़ी भीड़ साबित कर रही है कि भले ही इजरायल 10,000 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को मार चुकी है, लेकिन हमास के लड़ाकों की संख्या में जरा भी कमी नहीं आई है। शायद यही वजह है कि रफा में इजरायल के भीषण हमले के बावजूद हमास की लड़ाकू क्षमता में कमी नहीं है। 6 मई 2024 से दक्षिणी गाजा के शहर रफा में इजरायली सेना ने हमले शुरू किए। रफा में 20 दिन से ज्यादा की भीषण जंग में इजरायल की आईडीएफ ने हमास के 70 ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायल की आईडीएफ ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने मरकावा टैंक और भारी हथियारों के साथ रफा में ग्राउंड ऑपरेशन किए हैं, जो सफल रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि इजरायल के इस ऑपरेशन में 50 से ज्यादा हमास लड़ाके पूर्वी रफा में मारे गए हैं। इसके अलावा हमास की दर्जनों सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। इजरायल ने भीषण हमलों की वजह से रफा से 8 लाख फिलिस्तीनी भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद मनेर के